आजकल तो टीवी भी स्मार्ट है, तो टेक्नोलॉजी हर जगह है, तो आई एम श्योर कि नी रिप्लेसमेंट में एंड मतलब इन सभी चीज़ों में भी टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। तो आज के ट्रीटमेंट में और पहले के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस आ गया है? देखो, मैं अगर अपना ही करियर के बारे में बताऊं कि मैंने जब रिप्लेसमेंट सर्जरी फर्स्ट टाइम असिस्ट की थी, इट्स वे बैक इन 2007 की बात बोल रहा हूँ, टुडे वी आर हियर एट 2024। जब फर्स्ट सर्जरी असिस्ट कराई थी, तब मेरा कहना था कि पेशेंट्स को हम ये बताते थे कि आप शायद घुटना 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़ेंगे नहीं, आपको एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, हम पेशेंट्स को 15 15 दिन तक हॉस्पिटल में रखते थे, मतलब कि स्टिच रिमूवल तक नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट हॉस्पिटल में रहता था। मैं गवर्नमेंट सेटअप की बात बता रहा हूँ, टू ए पॉइंट कि आज हम नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट्स को एक्टिव लाइफस्टाइल इन जिम, रनिंग, जॉगिंग, जिम में लटकने की एक्सरसाइजेस, एंड टू ए पॉइंट कि हॉस्पिटल स्टेज, लाइक आज सर्जरी हुई है, आज एडमिट हुए पेशेंट, कल या परसों में डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पे आ गए हैं। तो दिस इज माई लाइफ साइकिल ऑफ दिस लेस देन आई थिंक 20 ईयर्स, जिसमें कि मैंने ये देखा कि एक सडन चेंज आ गया है पूरी तरह। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यस, पहले हम मैनुअल सर्जरीज करते थे, फिर नेविगेशन सर्जरीज में मैंने 10 साल काटे हैं, टू पॉइंट नाउ इट इज रोबोटिक सर्जरीज। सो इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द सिनेरियो कि हम लोग क्या सर्जरीज पहले कर रहे थे, क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों को दे रहे थे, और आज के दिन पे क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों के पास है। मुझे लगता है कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको मैंने अभी तक अपने पेशेंट्स में मना किया हो, और ये एवर इवॉल्विंग फेज आ रहा है। ठीक है, और हम भी इवॉल्व हो रहे हैं पेशेंट्स के साथ, कि देख रहे हैं कि हाँ ये करता है तो इससे कोई डैमेज तो नहीं होता है, नहीं होता तो वी एनकरेज देम टू कीप ऑन डूइंग इट एंड रेगुलर शोइंग अस। सो लोग स्क्वाटिंग क्रॉस लेग से छोड़ के अब जिमिंग में, रनिंग, जॉगिंग एंड इवन बहुत समय घुटनों से लटकने वाली एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं पेशेंट्स, मेरे खुद के पेशेंट्स कर रहे हैं, एंड 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स रिजल्ट्स, दे आर परसिस्टेंटली गुड। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक्टिविटी जो हम मना कर रहे हो, और टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली चेंज वेयर वी हैव कम्प्लीटली शिफ्टेड टू रोबोटिक सर्जरीज। रोबोटिक सर्जरीज के भी सुपर एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी इवॉल्विंग फेज है। इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स रोबोटिक सर्जरीज माइट टेक ओवर ऑल द सर्जरीज इन ऑर्थोपेडिक्स, हो सकता है कि सारी सर्जरीज हम रोबोट के साथ ही कर रहे हो। तो आफ्टर केयर जो होती है रोबोटिक सर्जरीज की एंड अगर हम पहले की सर्जरीज की बात करें, तो वो क्या सेम ही है या उनमें भी कुछ चेंजेस हैं? डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे मैं अगर सर्जरीज के हिसाब से बताऊं कि हम लोग पहले सर्जरी से 1 2 दिन पहले पेशेंट को एडमिट किया करते थे, बिकॉज प्री ऑपरेटिव प्लानिंग हम बहुत पहले कर सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे करते हैं, तो हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव मेड आवर लाइफ वेरी हेल्पफुल इन वन सेंस कि सर्जिकल ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आपका ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूशन या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू नहीं सोचने होते, तो हम जैसे सर्जरी करते हैं उसी दिन शाम को पेशेंट को स्टैंडिंग वॉकिंग स्टार्ट करा सकते हैं। ब्लड लॉस कम होने के और भी रीजंस रोबोटिक सर्जरीज के साथ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग टिश्यू हैंडलिंग, जो सर्जरी करते हो, जो स्कार होता था बहुत बड़ा होता था, स्कार साइज हैज गॉन लेस। सेकेंड, टिश्यू हैंडलिंग कम कर रहे हैं तो ब्लीडिंग वैसे भी कम हो रही है, और पेन कम होगा पेशेंट को, तो सर्जिकली पेशेंट का पेन मैनेजमेंट बेटर होता जा रहा है। ठीक है, स्टैंडिंग वॉकिंग सेम डे से कर रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन पे पेशेंट घर अपने जा पा रहे हैं, विद इन 4 5 डेज दे आर स्टार्टिंग देयर ओन एक्टिविटीज इन साइड द होम, इंडिपेंडेंट वॉकिंग 15 डेज के अंदर घर के सारे कामों में लग पा रहे हैं। जहाँ हम पहले सर्जरी करने के बाद 3 4 6 महीने सोचते थे, अब वो रिजल्ट हमें 15 20 दिन 25 दिन में आ रहा है। मैंने भी सुना है कि आफ्टर सर्जरी जैसे कि आपको 4 से 5 महीने बिल्कुल वॉकर के साथ चलना है, और आपको रोजाना आइस पैक रखना है। लाइक मेरे नोन में किसी ने कराई थी, तो उनका पूरा लाइफ साइकिल पूरा चेंज हो गया था, एंड दे यूज टू लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, एंड स्पेशली उन्होंने शिफ्ट किया ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि स्टेयर्स नहीं चढ़ने मना किया था डॉक्टर ने कि स्टेयर्स भी नहीं चढ़ना है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो एक्टिविटीज पहले कर रहे थे और आज में जमीन आसमान का डिफरेंस है। वॉकर रोबोटिक सर्जरीज आने के बाद हम लोग अगर प्रीहैब पे ध्यान दें, पेशेंट को बिफोर सर्जरी एक्सरसाइजेस करके रेडी करके रखें, और उनकी रोबोटिक सर्जरीज के साथ सर्जरीज करें, तो मुझे लगता है कि वॉकर तो बहुत कम पेशेंट में, एजेड पेशेंट में ही ज़रूरत पड़ती है। इवन दे कैन स्टार्ट डायरेक्टली ऑन स्टिक,
इवन स्टिक भी बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग हटा देते हैं विद इन 15 डेज दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज. स्टिक और सहारे की जरूरत ही नहीं है. एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स नाउ. ये प्लेंटी मतलब इतने लोगों ने कराया है और इतने अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि लोग इस पे अब मुझे लगता है कि कोई कंसर्न ही नहीं है. एक पेशेंट को आप ये भरोसा दो कि आप अपनी यंग लाइफ में जो कर पा रहे थे वो सारी एक्टिविटीज अगर कर पाओगे तो उनका डर भागेगा. ठीक है, दे विल बी मोर मोटिवेटेड टू चेंज देयर लाइफस्टाइल. अभी इंडिया में मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्या होता है कि वंस आई एम रिटायर्ड आई एम ऑफ नो यूज, आई एम सपोज टू लिव माई रिटायर्ड लाइफ इन माई हाउस. मुझे बाहर नहीं जाना है, घूमना नहीं है. मगर आप देखो रिटायरमेंट तक आप इतने बिजी रहते हो कि आप कहीं घूमे नहीं, कहीं गए नहीं, आपने कुछ किया नहीं. करने वाली जो लाइफ आई है उसमें मैंने नी की प्रॉब्लम है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ. ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये लाइफ जो है ना जीने के लिए, मुझे लगता है कि अगले 20-25-30 साल वो अच्छे प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं. क्योंकि एग्जाम्पल के तरह देता हूँ, जैसे पुरानी गाड़ी जो होती है अगर वो चलती है तो चलती रहेगी. जैसे आज भी अगर हम मारुति 800 देखें तो वो हमें दिखेगी चलती हुई तो दिखेगी, अगर कहीं खड़ी हुई है तो देखना वो कबाड़ खाने से खराब नहीं होगी. सो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही, अगर हम चलते फिरते रहेंगे और ये सोचे कि हम 60s में रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव लाइफस्टाइल रखें तो और लंबा जिएंगे, 100 तक पहुँचेंगे. अगर हम चलते फिरते नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत परेशानी होने वाली है और हो सकता है कि हम आगे तक लंबा ना जी पाए. उस एंगल पे सोचे तो मुझे लगता है हाँ, नी रिप्लेसमेंट इज अ बून, हिप रिप्लेसमेंट इज अ बून, जिससे कि पेशेंट अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखे.